उज्जैन के महाकाल मंदिर अभी नवरात्रि का त्योहार चल रहा है, जिसमें रोजाना अलग अलग 9 दिनों तक श्रृंगार किया जाता है। यह परंपरा सिर्फ उज्जैन के महाकाल मंदिर में ही मनाई जाती है। आज इसी परंपरा को लेकर शिव नवरात्रि के दूसरे दिन महाकाल को शेषनाग धारण कराकर श्रृंगार किया गया। श्रृंगार में भान, सूखा मेवा, फल और शेषनाग से श्रृंगार किया गया। साथ ही भगवान महाकाल को आज दूल्हे बनाने की परंपरा के अंतर्गत धोती को भी श्रृंगार के रूप में पहनाई गई। ओ गोपाल भैया जल्दी कराओ। जी पूरे भारतवर्ष में शिव नवरात्रि महोत्सव जो है केवल भगवान महाकाल की नगरी में मनाया जाता है। शिव नवरात्रि के रूप में 9 दिन तक भगवान का उत्सव यहाँ पर होता है। आज भगवान को आप देखेंगे, कल श्रृंगार दर्शन हुआ था। आज वासुकी नाग जो केवल नागपंचमी पर चढ़ता है, वो वासुकी नाग के साथ में भगवान का स्वरूप बनाया गया है। इसी प्रकार से कल के दिन भगवान महाकाल को छबीना का श्रृंगार होगा। परसों के दिन जो रहेगा भगवान का होलकर मुखोटा चढ़ेगा। उसके बाद में क्रमबद्ध भगवान का घटा टोप है, उमा महेश है, मन महेश है, शिव तांडव है। और शिव नवरात्रि में शिवरात्रि के दिन भगवान निराकार स्वरूप में दिन भर जल चढ़ेगा। अगले दिन प्रातःकाल भगवान की भस्म आरती और चेहरा स्वरूप श्रृंगार होगा। महाकाल के दर्शन हो गए और बहुत सुंदर, बहुत ही प्यारा दर्शन हुए हैं। महाकाल के ऐसे उत्सव पे हम आए हैं जहाँ उनका विवाह की तैयारी चल रही है, और इस तरीके का विवाह की तैयारी चल रही है कि देख के अद्भुत लग रहा है। आज महादेव के दर्शन बहुत अद्भुत है। जय महाकाल, जय महाकाल।